नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नीलम। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम सुर्खियों पर। पाकिस्तान ने फिर दी एयर स्पेस बंद कर धमकी। पहले भी दोनों देशों को उठाना पड़ा था आर्थिक नुकसान। चंद्रयान 2 से चंद्रमा ने तीसरी कक्षा में किया प्रवेश। 7 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। कश्मीर मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस। राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर भारत का आंतरिक मसला, पाकिस्तान फैला रहा है हिंसा। प्रथम आराध्या के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू। मंदिर परिसर में सजाई गई मोदक झांकियां। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस फिर से बंद करने की धमकी दी है। उसने कराची एयर स्पेस को 31 अगस्त तक आंशिक तौर पर बंद रखने का ऐलान भी कर दिया है। अभी मुश्किल से 1.5 महीने ही हुए हैं जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बंद किया अपना एयर स्पेस फिर से खोला था। तब 138 दिनों के एयर स्पेस क्लोजर ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था और पाकिस्तान ने फिर से इसी ओर कदम बढ़ाया है, तो दोनों देशों को दोबारा घाटा सहने को तैयार रहना होगा। भारत के महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 2 ने आज चंद्रमा की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर लिया है। इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद की तीसरी कक्षा में सुबह 9:04 डाला। इस ऑर्बिट के चंद्रयान 2 अगले 2 दिनों तक चंद्रमा का चक्कर लगाएगा। इसके बाद अगले चरण में 30 अगस्त को चंद्रयान 2 को चौथी और 1 सितंबर को चंद्रमा की 5वीं कक्षा में डाला जाएगा। चंद्रयान 2 3 मॉड्यूल वाला अंतरिक्ष यान है। इसमें ऑर्बिट, लैंडर और रोवर शामिल है। इस यान को 22 जुलाई को प्रक्षेपित किया जाएगा। आगामी 2 सितंबर को लैंडर ऑर्बिट से लेकर अलग हो जाएगा। 7 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कश्मीर पर सरकार के फैसले पर विरोधी रुख अख्तियार करते हुए राहुल गांधी के सुर बदल गए हैं। राहुल ने साफ किया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, इसमें पाकिस्तान या किसी दूसरे देश की दखल देने का कोई भी हक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में हिंसा पाकिस्तान प्रायोजित है। राहुल गांधी ने पाकिस्तान द्वारा कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र में दायर की गई याचिका पर ट्वीट कर ये कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि राम सेतु इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जिसे प्राचीन भारतीयों ने बनाया था ताकि भारत और श्रीलंका को जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि वे मानते हैं कि हिमालय जैसे नीलकंठ विकसित देशों से आई प्रदूषित हवा को अवशोषित कर भारत की रक्षा करता है। पोखरियाल ने ये बात IIT खड़गपुर के कन्वोकेशन कार्यक्रम में कही। उन्होंने युवाओं के देश के अतीत पर अनुसंधान करने और उस ज्ञान को लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। किसानों, घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोड बढ़ाने के लिए सेवा कनेक्शन शुल्क में लगभग 50% की कटौती का आदेश दिया है। इस संबंध में पंजाब राज्य विद्युत निगम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे राज्य के किसानों को 150 करोड़ रुपए और घरेलू और वाणिज्य उपभोक्ताओं को 50 करोड़ रुपए की बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट MN नरवाने ने पाकिस्तान की धमकियों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परमाणु धमकी देना जारी रखे, लेकिन भारत ऐसी धमकियों से भयभीत नहीं होगा। नरवाने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे जो उन्होंने देश के नाम संबोधन में दोनों देशों के परमाणु क्षमताओं को लेकर दी थी। नरवाने ने यहाँ भारत चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में डिफेंडिंग आवर वर्ड्स विषय पर एक चर्चा के दौरान कहा कि वे परमाणु धमकी देना जारी रख सकते हैं, हम उनसे नहीं डरते हैं। RBI के निर्देशों के बाद अब ATM फ्रॉड रोकने के लिए बैंकों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कैनरा बैंक ने कार्ड के जरिए 10,000 रुपए से ज्यादा की रकम ATM से निकालने पर पिन नंबर के साथ 1-time पासवर्ड जरूरी कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर कैनरा बैंक का कोई भी ग्राहक ATM से 10,000 रुपए से ज्यादा निकालेगा तो उसे ATM पिन नंबर के साथ OTP भी भरना होगा। RBI के निर्देश के बाद अब ATM फ्रॉड रोकने के लिए बैंकों ने ये कदम उठाना शुरू किया है। देश के वाहन उद्योग में मंदी जारी है। मंदी के बीच मारुति सुजुकी इंडिया के पदाधिकारियों ने कहा कि कंपनी अपने स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती नहीं करेगी। हालांकि मंदी के कारण करीब 3,000 अस्थायी कर्मचारियों के अनुबंधों को आगे नहीं बढ़ाया गया है। इन कर्मचारियों के पास अब कोई नौकरी नहीं बची है।
सालाना आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कंपनी के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर राज्य सरकारें विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका नहीं निभाती हैं, तो मोदी सरकार का 5 साल में 5,000 अरब डॉलर का अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पटरी से उतर सकता है। सृष्टि के विधाता, सृष्टि के रचयिता और 36 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज का जन्म दिवस कुछ ही दिनों में आने वाला है। प्रथम आराध्य के जन्म दिवस कुछ ही दिनों में आने वाला है, लेकिन सृष्टि के रचयिता के जन्मोत्सव अभी से शुरू हो चुका है। प्रथम आराध्य भगवान गणेश का जन्मोत्सव 2 सितंबर को मनाया जाएगा। छोटी काशी के मोती डूंगरी मंदिर में जन्मोत्सव की शुरुआत बुधवार से हुई। गणेश जी का पंचामृत अभिषेक का संकल्प लिया गया। प्रथम आराध्य का पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद रक्षा सूत्र हल्दी प्रसाद भक्तों को बांटा गया। मंदिर का ध्वज पूजन हुआ और नया ध्वज चढ़ाया गया। मंदिर के परिसर में मोदकों की झांकी भी सजाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के मनमोहक रूप के दर्शन किए। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द एंगल।